नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बता दें कि आज हम बनाएंगे पोहा, और पोहा बनाने के लिए कुछ सब्जियां हम अपने खेत से लेंगे। तो चलिए हम चल रहे हैं अपने खेत में। हम पहुँच गए हैं अपने धनिया की पत्ती के खेत में। धनिया को हम जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, एक एक पत्ती को तोड़ लेंगे और यहाँ से लेंगे हम धनिया। धनिया पत्ती हमने ले लिया है और यहाँ बगल से हम लेंगे प्याज। दोस्तों अभी प्याज पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही प्याज हम खेत से उतारेंगे। तो एक प्याज हम यहाँ से उखाड़ लेंगे। जो बड़ी वाली साइज है वही उतारेंगे। एक यहाँ से भी हम उपाल लेंगे। और एक प्याज यहाँ से उखाड़ेंगे। तो प्याज हमने ले लिया है, चल रहे हैं घर की ओर। प्याज को हम पहले अच्छे से साफ कर लेते हैं, पत्तियों को काट देंगे। प्याज को हमने छील लिया है और प्याज और धनिया पत्ती को हम पानी से साफ से धुल लेंगे। एक बार हम इसे फिर धुलेंगे। चाकू भी धुलेंगे। धनिया को टाइट वाले डंठल को हमने काट के निकाल दिया है और पत्तेदार को बारीक काट लेंगे। प्याज को भी हम बारीक काट लेंगे। दोस्तों आइए हम आप लोगों को बता दें कि पोहा बनाने के लिए हमने क्या क्या सामग्री लिया हुआ है। यहाँ हमने 500 ग्राम चूड़ा लिया हुआ है और चूड़ा हमें मोटा साइज का लेना है और ज़्यादा पतला नहीं। और यहाँ 3 प्याज बारीक कटा हुआ लिया है, 50 ग्राम नारियल कद्दूकस, पुदीना पत्ती बारीक कटा हुआ, मिर्चा 5 पीस बारीक कटा हुआ, हरे चने का दाना 1 कटोरी, 1 पाव बादाम, जीरा, हल्दी पाउडर, 2 नींबू, पीली सरसों, नमक स्वाद के अनुसार, बारीक कटा हुआ धनिया। तो चलिए सबसे पहले हम चूड़ा को पानी से धो देते हैं।
चूड़ा को पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, पानी को तुरंत निचोड़ देना है। चूड़ा को हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए, और ताकि हमारा चूड़ा बहुत ही अच्छे से खिल जाए। और चलिए तब तक हम बादाम भूज लेते हैं अपना। सबसे पहले आग को जलाएंगे, हमारा पकड़ लिया है, हाथ को हम पानी से धो लेंगे। आग हमारा पकड़ लिया है, कढ़ाई को हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर। तो बादाम को हम भून लेते हैं। बादाम को धीमी आंच से ही भुनेंगे ताकि हमारा बादाम जले ना। बादाम हमारा हो गया है, इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। बादाम को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। चार चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, और दो चम्मच हम डालेंगे जीरा। डालेंगे हम पीली वाली सरसों एक चम्मच, और इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें हम एक कटोरी हल्का हरा चना डालेंगे। चने को हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। को हम पकाने तक भूनेंगे ताकि चना अच्छे से हो जाए। चना हमारे घर का ही है, और चना डालने से पोहे का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। चने के जगह आप मटर भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने मटर नहीं डाला है, हरा चना डाला है। और चना डालने से भी पोहे का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो देखते हैं चना हमारा हुआ है कि नहीं। दाबते हैं थोड़ा हाथ से, तो यहाँ आप देख सकते हैं चना हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। मिर्च को हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो मिर्च आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने हिसाब से डाला है, तो इसमें हम दो चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सभी चीजों को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो मसाला हमने भून लिया है, अब इसमें डालेंगे हम बादाम। यहाँ हमने पुदीना कटा हुआ लिया है, पुदीने को हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। पुदीने को भी हम इसी में डाल देंगे, इसको भी इसी में मिलाएंगे। हुआ धनिया पत्ता भी डालेंगे, इसको भी मिलाएंगे। और बादाम हमने पहले से ही भून लिया है, तो मसाला हमारा यहाँ तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे चूड़ा।
तो यहाँ आप देख सकते हैं चूड़ा हमारा बहुत ही भरभरा हुआ है। अच्छे से हम हर चीज को मिला लेंगे। दोस्तों पोहा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आप इस तरह से पोहा बनाएंगे तो आपका पोहा बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही बढ़िया होगा। अब हम इसमें डालेंगे, पोहे में डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस हमने निकाल लिया है, बीज को बाहर निकाल दिया है। नींबू का रस को हम पोहे में डाल देंगे और नींबू का रस डालने से पोहा बहुत ही चटपटा होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ा सा नारियल बुरादा डालेंगे। नारियल बुरादा डालने से पोहे का स्वाद बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए हम सभी को एक में मिक्स कर देते हैं। आज को आप लोगों को बिल्कुल धीमी रखना है और यहाँ हम सभी चीज़ों को एक में मिक्स कर दिया है। अब इसे हम थाली से एक मिनट लिए इसे ढक देंगे। आँच हमेशा कम रहे, ज़्यादा ना हो, नहीं आपका पोहा जल जाएगा। तो एक मिनट हो गया है, थाली को उघाड़ते हैं। एक मिनट ढकने से और सारे नींबू का रस और सारे पोहे में घुस जाता है और खाने में बहुत ही चटपटा होता है। तो दोस्तों आप सब भी अपने घर पे बनाइए, खाइए, खिलाइए। आप इसे सुबह सुबह खा सकते हैं, दोपहर भी खा सकते हैं, शाम भी खा सकते हैं और चाय के साथ खाने में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अब कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं। चलिए पोहा तैयार हो गया है, उसे हम एक साफ ट्रे में निकाल देंगे। दोस्तों पोहा हमारा बनके तैयार हो गया है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।